दोस्तों नमस्कार। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे किसी के साथ भी मिक्स करके कुछ भी बना लीजिए। हर किसी का पसंदीदा आलू, किसी को सब्जी के रूप में, किसी को चोखे के रूप में, किसी को अचार के रूप में, किसी को चिप्स के रूप में, किसी को फ्राई रूप में, तो किसी को रस वाली सब्जी के रूप में। तमाम तरह से आलू का सेवन, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, सबका यह प्रिय आलू है। लेकिन पिछले कई वर्षों में जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है, लोगों के रहन सहन की गड़बड़ी के कारण, देर रात तक जगने के कारण, जिस तरह मोटापा और हार्मोनल बीमारियां लोगों को घर कर रही हैं, आलू के विषय में कई भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं या फैल जा रहे हैं। जैसे आलू खाने से आप मोटे हो जाएंगे, आलू खाने से आपका वजन बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में आलू खाने से वजन बढ़ता है? या जो लोग मोटे हैं उन्हें आलू नहीं खाना चाहिए? जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, मधुमेह जिनको बीमारी हुआ है, क्या उन्हें आलू नहीं खाना चाहिए? इस विषय पर हम सारे भ्रम को आज तोड़ने वाले हैं। और यह भ्रम जो तोड़ने का काम है, यह मेरे किसी ज्ञान से नहीं, यह विश्व के जो बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, आपकी आहार विहार पर जो ध्यान दिया जा रहा है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला है वह आपको बताने जा रहे हैं। फिर किस प्रकार का आलू खतरनाक है खाना, किस प्रकार के आलू का सेवन करने से आपको फायदा होता है, यह तमाम बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, कहीं आप आलू जैसी सब्जी से, आलू जैसी गुणकारी सब्जी से अपने आप को दूर न कर दें। आज सारे भ्रम को तोड़ कर ही रहिएगा। सबसे पहले जानें कि आलू से हमें फायदा क्या मिलता है। आलू जिस कुल का सब्जी है, उस कुल की सब्जी की विशेषता होती है कि वह पोषण तत्वों से भरा हुआ रहता है। अब कोई चीज़ पोषण तत्वों से भरपूर है तो वह कैसे मोटापे का कारक बन सकती है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अधिकतर वह चीज़ें आपके मोटापा को बढ़ाती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे शक्कर, जैसे अल्कोहल। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपके रक्त परिसंचरण में तुरंत घुल मिल जाती हैं, वही आपके वजन बढ़ाने का कारक हो सकती हैं। इस आलू में कई सारे पोषक तत्व, कई सारे विटामिन, कई सारे खनिज लवण, आवश्यक खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं, तो यह पोषक तत्वों से भरपूर। अब इसे सब्जी के रूप में खाइए। हाँ, जब आप इसे कच्चे रूप में खाते हैं, भुनकर या इसका भरता वगैरह बनाकर, तो यह विशेष गुणकारी हो जाता है, क्योंकि इसके पोषक तत्व गर्म न होने की वजह से बचे रह जाते हैं, जो आपको ज़्यादा फायदा देते हैं। तो यह आलू बहुत सारे गुण को लिए हुए है, इससे दूरी बनाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर यह स्वाद में भी अच्छा होता है। हम भोजन दो ही कारण से लेते हैं, या तो वह स्वाद में अच्छा हो या फिर वह गुणकारी हो। गुणकारी होने की वजह से हम करेला, मेथी, इस तरह की कड़वी चीज़ों को भी खाते हैं, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन यह आलू स्वाद में भी अच्छा है, यह ऊर्जा से भरपूर है, इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, कई सारे विटामिन, विटामिन सी, कई तरह के खनिज लवण, पोटेशियम से यह भरपूर एक सब्जी है। तो यह पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी होने की वजह से आलू आपके लिए विशेष फायदेमंद हो जाता है। फिर सबसे बड़ी इसकी खासियत, यह बड़ा मिलनसार है, यह किसी से भी घुल मिल जाता है। आप आलू बैगन बना दीजिए, गोभी आलू बना दीजिए, राजमा आलू बना दीजिए। कई लोग तो मांसाहार के साथ में भी आलू को मिक्स करके मांसाहार तक बना लेते हैं। तब यह आलू स्वादिष्ट भी है, साथ में आपको पोषक तत्वों से भरपूर, आपको स्वास्थ्य संबंधित फायदे भी देता है। अब अगली बात हम समझते हैं कि आलू और वजन का क्या संबंध है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यह सब्जी, स्टार्च से भरपूर यह सब्जी, पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी, क्या वाकई में आपका वजन बढ़ाती है? तो नए शोधों को अगर माने, नए रिसर्च को माने, तो ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज विटामिन है, वह आपके वजन को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म में व्रत उपवास लिया जाता है, तब आलू की ही सेवन ज़्यादा की जाती है। हाँ, कुछ लोग इसके प्रकार को, इसकी भिन्नता को बदल दिए हैं, एक गलत तरीके से आलू का सेवन जरूर करते हैं, लेकिन भुना हुआ आलू और आपको उबला हुआ आलू, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और चूँकि यह देर से पचता है, फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो जब आप आलू का सेवन करते हैं तो आपको भूख बहुत देर से लगती है। यही कारण है कि हमारे व्रत उपवास में आलू को खाया जाता है, जिससे हमको देर तक भूख न लगे। और ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ जिसको खाने के बाद भूख खूब देर बाद लगे, वह वजन नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम गलत तरीके से भी कुछ चीज़ों को खा लेते हैं, जिसे हम आगे बताएंगे कि किस तरह हम आलू को गलत रूप में खा रहे हैं। लेकिन अगर सही ढंग से आपने आलू को खाया, तो यह वजन नहीं बढ़ा सकता या डायबिटीज़ नहीं बढ़ा सकता।
अब अगली बात आती है कि तो फिर इतना गुणकारी है, इतना पोषक तत्वों से भरपूर आलू है, तो इसे कैसे खाएं, इसे कैसे खाना सबसे फायदेमंद होगा। देखिए, सबसे गलत तरीका मैं जो बताऊं, जो लोग खा रहे हैं वह आलू को डीप फ्राई करके, जो भी आप मार्केट से चिप्स, घर में आप चिप्स बनाकर खाते हैं, वह सबसे गलत प्रकार है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ने का काम करती है, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जब इसे डीप फ्राई किया जाता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यह हमारे रक्त में तुरंत घुल मिल जाता है, प्लस यह आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है। वहीं अगर आलू को उबले हुए रूप में खाया जाए, सब्जी की में आप इसे उबाल कर खाते हैं, इसे डीप फ्राई नहीं करते, तो यह सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि डीप फ्राई करने पर किसी भी भोज्य पदार्थ का जो पोषक तत्व है वह लगभग ख़त्म हो जाता है, उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट ही बचता है। तो जो सबसे गलत तरीका है आलू को खाने का, वह उसे डीप फ्राई करके, आलू की वह भुंजड़ी हो, आलू की वह चिप्स वगैरह जो आप मार्केट से खरीदें या खुद भी बनाएं, उसमें केवल स्वाद रहता है जिनको अच्छा लगता है, पोषक तत्व उसमें बिल्कुल भी नहीं होते। प्लस ऐसा खाया आलू जिसे आप डीप फ्राई करके खा रहे हैं, वह आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आपका वजन बढ़ गया है, तो डीप फ्राई आलू खाने से बचें। प्लस नए शोधों के अनुसार ऐसा डीप फ्राई आलू, इसमें कुछ विषैले तत्व तैयार हो जाते हैं जो आपके शरीर में जाकर आपके कोलेस्ट्रॉल को तो बिगाड़ने का काम करते ही करते हैं, साथ ही कई सारे उपापचयी डिसबैलेंस, कई सारे उपापचयी रोग उत्पन्न कर देते हैं। यह आपके लीवर के लिए भी खराब माना जाता है, साथ में यह आपकी पाचन संस्थान, आपकी आंतों के लिए भी खराब माना गया है। तो आलू को डीप फ्राई करके खाने से बचिए। अब आपने आलू को किस तरह नहीं खाना है वह तो जाना, लेकिन क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिसे हम आलू से सबसे ज़्यादा फायदा लें? कौन सा वह तरीका है जिसमें आलू को खाने से सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? तो आपको जाना होगा हमारे भारत देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे प्रांत में जब आप घूमते हैं, तब वहाँ पर आलू को भूनकर, आग में भूनकर हरी चटनी के साथ में दिया जाता है, और ऐसा आलू सबसे ज़्यादा गुणकारी हो जाता है जब आप उसे आग में भून कर खाएं। आप उसे जब आग में भून करके खाते हैं तो उसके पोषक तत्व तो खत्म होते ही नहीं हैं, उसी में बरकरार रहते हैं। उबालने तक में विटामिन खत्म हो सकते हैं, मिनरल्स बचे रह सकते हैं, लेकिन जब आप आलू को उबालते हैं तो उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप आलू को भून कर खाते हैं तो वह पोषक तत्व तो उसके बरकरार रखते हैं। साथ में जिस हरी चटनी के साथ खाया जाता है उसमें विटामिन सी होता है, वह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने का काम करता है, तमाम फायदे देता है। वह आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आलू में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो यह आपके रक्त परिसंचरण के लिए, सोडियम की मात्रा को बैलेंस करने के लिए काम आ जाता है, दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा आलू डायबिटीज़ के पेशेंट जितना चाहे उतना खा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ तब बढ़ता है जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा जाती है। तो आलू में जो ग्लूकोज है वह स्टार्च फॉर्म में है, उसे टूटने में समय लगता है। हाँ, जब आप उस आलू को तल के खाते हैं तो वह तुरंत कार्बोहाइड्रेट जो है वह फैट में बदल जाता है, लेकिन जब आप स्टार्च के रूप में खाते हैं तो शरीर को एक उपापचयी क्रिया के द्वारा उसे तोड़ना होता है, उस ग्लूकोज के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इस लंबे प्रोसेस में शरीर को ऊर्जा का वहन करना पड़ता है, ऊर्जा का दोहन करना पड़ता है, जिससे आपके शरीर में जमा कैलोरीज भी खर्च होते हैं। कैलोरी भी मिलती है आलू को खाने पर, जैसे एक आलू पर लगभग 77 से 100 कैलोरी की ऊर्जा होती है, जो आपके कई ऐसे गाजर हैं और कई ऐसे फल हैं उसके बराबर है। तो कहीं से यह मोटापा बढ़ाने का कारण नहीं होता है, लेकिन हम आलू को गलत तरीके से खाते हैं। तो ऐसा भुना हुआ आलू आग में आप भून लीजिए, आग की व्यवस्था ना हो तो आप ओवन वगैरह में भी इसे भून सकते हैं, और हरी चटनी के साथ या जो आपको चटनी पसंद हो, वह पैक्ड चटनी नहीं होनी चाहिए, घर पर बनाइए, ताज़ी चटनी बनाइए, और उसके साथ इस भुने हुए आलू का सेवन करिए, वह स्वादिष्ट भी होती है और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, यह भ्रम कि आलू वजन बढ़ाता है पूरी तरह मिथ साबित होती है अगर हम उसे सही ढंग से खाएं। हाँ, अगर गलत ढंग से उसका सेवन करते हैं, पैक्ड फूड के तौर पर उसका सेवन करते हैं, उसे डीप फ्राई करके खाते हैं, तो वह निश्चित आपका वजन बढ़ाएगा, आपको मधुमेह, आपकी स्थिति, आपकी डायबिटीज़ को, आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन सही तरीके से खाया हुआ आलू स्वाद भी देगा, आपको स्वास्थ्य भी देगा, और आपको आलू के वो सारे मज़े मिलेंगे। आपको आलू से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन भ्रमों को दूर करिए, आलू का सेवन भरपूर मात्रा में करिए, क्योंकि एक ऐसी सब्जी है जो बड़ी मिलनसार है, और जो लोग मिलनसार हैं उनका स्वागत होना चाहिए।
यह आलू किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेती है। आज की उस दुनिया में जहां एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एक पति का पत्नी से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, दिन भर लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं, वहां पर यह आलू बड़ा मिलनसार है। इस आलू को सेवन करिए, इस आलू के स्वास्थ्य लाभ लीजिए और स्वास्थ्य लाभ के साथ में स्वाद का मजा लीजिए और अपनी सेहत को अच्छा बनाते चलिए।